रांची के धुरवा स्थित विवेकानंद विद्या मंदिर में भगवान बिरसा मुंडा की 144वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षाविद अरविंद कुमार पांडे पहुंचे। वहीं बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से इतिहास में वीर गाथाओं की कहानी पर प्रकाश डाला। झारखंड की 19वीं सालगिरह और धरती आबा बिरसा मुंडा की 144वीं जयंती के खास मौके पर रांची के विवेकानंद विद्या मंदिर में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ किए गए विद्रोह, आदिवासियों की संस्कृति और उनसे जुड़े पहलुओं को नृत्य और नाट्य रूपांतरण के रूप में पेश कर फिर से उसे जिंदा करने की कोशिश की। आदिवासी बहुल माने जाने वाले झारखंड की अपनी संस्कृति और अपनी कहानी है। प्रकृति पर आधारित इस झारखंड की संस्कृति को बच्चों ने बड़े ही मनमोहक तरीके से पेश कर सभी दर्शकों का मन मोह लिया, जिसमें नागपुरी डांस, छऊ नृत्य और स्वतंत्रता संग्राम के पर नाट्य रूपांतरण शामिल रहा। वीर सपूत हमारे देश में लोगों में हर एक प्रांत में है, लोगों को बताए नहीं जाते सच्चा इस इतिहास। भगवान बिरसा बिल्कुल दिव्य पुरुष थे, वो तो बिल्कुल भगवान के रूप में उनको पूजा जाता है। वर्तमान में हमारा विद्यालय एक अन्य विद्यालयों से भिन्न है और राष्ट्रपुरुष के जो विचार हैं उससे अपने छात्रों को अवगत कराते हैं। खास बात ये रही कि विवेकानंद विद्या मंदिर के बच्चों ने झारखंड के सबसे पुराने छऊ नृत्य को बीते महीनों में सीखा है और स्थापना दिवस सह भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर सबके सामने प्रस्तुत कर ये संदेश दिया कि झारखंड की संस्कृति कितनी अनमोल है। वहीं विद्यालय के प्राचार्य किरण द्विवेदी ने बताया कि जहां बच्चों को एक और किताबी ज्ञान के साथ साथ यहां की संस्कृति और प्रथाओं का ज्ञान हो, इसके लिए स्कूल हमेशा तत्पर रहता है। इस कार्यक्रम में विद्यालय अपनी स्वर्ण जयंती समारोह भी मना रहा है। विद्यालय के 50 साल पूरे हुए हैं। विद्यालय में लगातार पढ़ाई के अलावा भी कई तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं, ताकि देश पर न्यौछावर होने वाले लोगों के बारे में बच्चे जान सके और आगे जाकर देश के लिए कुछ न कुछ कर सके। मिसाल है इस धरती के कि हम अपने पर्यावरण, अपने संस्कार, अपनी स्वतंत्रता को कैसे कायम रखें। ये कार्यक्रम सिर्फ एक स्थापना दिवस या भगवान बिरसा मुंडा जयंती का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, अपितु ये दिखाता है ये विद्यालय उनकी सोच, उनके मान, उनको कैसे आगे बढ़ाने में आगे है। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और विवेकानंद विद्या मंदिर में धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर उनकी जीवनी और उनके किए गए महान कार्यों को दर्शाकर बच्चों के मन में एक सीख की कड़ी जोड़ी है, जो उन्हें भविष्य में भगवान बिरसा मुंडा जैसे बनने के लिए प्रेरित करेगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से आयुष चौहान की रिपोर्ट।